आज फिर आपसे न्यू और लेटेस्ट टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ ये टोपी आप आसानी से जीरो मंथ से लेकर किसी भी साइज का बेबी के लिए बना सकते हैं। देखिए इसमें डोरी है डोरी टाइट करने से चेहरा का भाग टाइट हो जाता है इसका लुक और फिनिशिंग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है और ये नीचे गले कवर होता है और गले का ऊपर में डोरी लगा रही हूँ और डोरी टाइट करने से फिर चेहरा का भाग टाइट हो जाता है तो देखिए इसका ऊपर का ये डिजाइन सिर्फ दो रो का डिजाइन है इसका लुक और फिनिशिंग बहुत ही सुंदर नजर आता है मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ अगर आप भी बिनाई का शौकीन है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा फोपोला का धागा मैं डबल करके ले रही हूँ सलाई इसमें मैं नाइन नंबर का यूज कर रही हूँ ये आप किसी भी साइज का धागा और लेकर बना सकते हैं इसमें मैं चार फंदे डाल रही हूँ चार फंदे डालने के बाद इसका बैक साइड से अभी आप मैं आपको दिखा रही हूँ बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बेनने हैं देखिए एक दो तीन और ये चार चार फंदे आपको इसी तरीके से उल्टी बिना बेन देना है ये इसका बैक साइड है अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना अब देखिए इधर धागा है ये धागा आपको लेना है और निडल में इस तरीके से चढ़ा देना है और चढ़ाने के बाद इसको सीधी साइड से कटी डालकर थोड़ी लूज बनानी है और सीधी साइड से काटी डालकर सीधी बिनाई बीन देना है मतलब एक फंदे हम इधर बढ़ा रहे हैं इसका आगे अब देखिए ये दो फंदे फिर सीधी बनाएंगे एक और ये दो फिर लास्ट का आगे हम फिर एक फंदे बढ़ाएंगे देखिए ये धागा लेना है और निरल में चढ़ा देना है इस तरीके से और इसको थोड़ी लूज करके सीधी साइड से सीधी बिनाई बीन देना है और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा बहुत ही इजी है और ये किसी भी साइज का धागा किसी भी बहुत ही इजी है और इजी तरीके से बनकर आता है अब देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा इस तरीके से बनाइएगा ये इसका बैक साइड है अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर सीधी साइड का ये देखिए दो सीधी का दाएं और बाएं में हम एक एक, एक फंदे बढ़ाएंगे फंदा बिना बिना जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा सीधा बीन देना है अब देखिए ये दो सीधी है सीधी का दाएं में हम एक फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से धागा लेना है निर में डाल देना है और इसको थोड़ी लूज करके सीधी बिना बीन देना है इसमें हम फंदे बढ़ा रहे हैं ये सीधी का दाया और बाएं में आप कोई भी तरीके से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं पर मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बढ़ाने वाली हूँ अब देखिए फिर दो फंदा सीधा तो देखिए इस तरीके से सीधी का दाया और बाएं में हम एक एक फंदे बढ़ाएंगे अब देखिए इधर भी मैं एक फंदे बढ़ा रही हूँ निरल में इस तरीके से डाल देना है थोड़ी लूज करनी है और सीधी बिना बन देना है तो देखिए इस तरीके से एक फंदे बढ़ाने के बाद इधर फिर जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा सीधा और लास्ट का एक फंदे सीधी इस तरीके से बनना है अब देखिए ये सीधी का सिर्फ और बाएं में आपको एक एक फंदे बढ़ानी है सीधी साइड से और बैक साइड से आपको उल्टी बिना बेनना है और इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए दोनों साइड फंदे बढ़ाते हुए बेनना है दो सीधी का दाएं और बाएं में इस तरीके से मैं इसका ऊपर अट्ठाईस अट्ठाईस फंदे बढ़ानी वाली हूं अगर आप न्यू न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको सोलह फंदे बढ़ानी है अगर आपका पास धागा का साइज और नेडल का साइज बढ़ाए है तो देखिए अगर पतला है तो आप इसी तरीके से दोनों साइड बीबीस फंदे बढ़ाकर बनाइएगा अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका दाएं और बाएं में एक एक फंदे बढ़ाते हुए आ रही हूँ उसी बात को तो मैं रिपीट करते हुए दिखा रही हूँ यहाँ तक आप इसी तरीके से बेनना है अब देखिए ये सीधी का दाएं और बाएं में एक एक फंदे बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से धागा लेना है नेडल में डाल देना है थोड़ी लूज करनी है सीधी साइड से और सीधी बिना बेन देना है अब देखिए जो दो फंदे सीधी हैं बीच का उसको आपको सीधी बीन देना है एक दो इस तरीके से फिर इधर साइड एक फंदे पड़ाएंगे इस तरीके से निर ने में डालनी है थोड़ी लूज बनानी है और सीधी बिने बीन देना है फंदे आप साइज का हिसाब से कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं किन साइज के लिए कितनी फंदे बढ़ानी है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी बाकी के फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधा इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इसका बैक साइड से आपको उल्टी बिना बिनना है यह हम शुरू से अभी तक इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं पस पंद्रह बिना महीना और सारी फंदे उल्टी बिना अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ ये टोपी किसी भी साइज में बनाने के लिए आपको सिर्फ दो बार ध्यान देना है एक गर्दन का नीचे से चोटी तक का लंबाई आपको बिनना है ये साइज का हिसाब से कम ज्यादा फंदे बढ़ा सकते हैं इसमें आपको टोटल फंदे को बाद में चार भाग लगाना होता है देखिए इस तरीके से करके भी आप फंदे दोनों साइड बढ़ा सकते हैं इधर और इधर सोरा फिर पांच चौको बीस इस तरीके से दोनों साइड भी बीबीस फंदे बढ़ाकर भी बीन सकते हैं और छह चौको चौबीस इस तरीके से दोनों साइड चौबीस चौबीस फंदे बढ़ाकर भी बीन सकते हैं फिर दोनों साइड सात सात फंदे बढ़ाकर सात चौको अट्ठाईसवी बना सकते हैं मतलब टोटल फंदे को बाद में आपको चार भाग लगानी है और दूसरी बात आपको गर्दन का नीचे से चोटी तक का लंबाई बिन्ने है फंदे कम ज्यादा गरा कर ये सिर्फ दो बात आपको ध्यान देना है ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं धागा साइज और निडल का साइज चेंज करके ये मैं फोर पला का धागा डबल और नाइन नंबर का सलाई लेकर बना रही हूँ ये आप आसानी किस से किसी भी साइज का धागा और निर्डल लेकर किसी भी साइज में बना सकते हैं बनाने का तरीका बहुत ही इजी है अब देखिए इसमें मैं दोनों साइड अट्ठाइस अट्ठाइस फंदे बढ़ा रही हूँ ये बड़ा साइज का टोपी मैं बना रही हूँ ये तीन साल से हरारी हरी पांच साल सात साल का बेबी के लिए आ जाता है दोनों साइड में अट्ठाइस अट्ठाइस फंदे बढ़ा रही मतलब इसमें मैं सात सात फंदे का चार भाग में लगाकर बनाऊंगी सात चौको अट्ठाईस इस तरीके से इसमें मैं बना रही हूँ अब देखिए इसका ऊपर का मैं फंदे भी गिनकर दिखाती हूँ तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह चोड़ नौ अट्ठाइस अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये अट्ठाईस पंदे का है अब देखिए बीच में दो फंदे हैं एक और ये दो फिर इधर अट्ठाइस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह इस तरीके से आपको बनानी है दोनों साइड में अट्ठाईस अट्ठाईस पंदे बढ़ा रही हूँ बीच में मेरा दो फंदा है अब देखिए इस तरीके से फंदे बढ़ाने के बाद अब देखिए इसका ऊपर का बिना मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना दो फंदे दो काय इस तरीके से दो फंदे दो काय बीन देना है और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बनाएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ ये दो फंदे का आगे का फिर दो फंदे दो का एक बीन देना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा इधर का दो फंदे दो का एक मतलब ये बीच का दो फंदे दो काएक का एक आगे से मैं घटा रही हूँ दो फंदे दो का एक दो फंदे दो का एक बीनते हुए अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये बीच का दो फंदे का दाएं और बाएं में हम इसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे इसी बात को रिपीट करते हुए अब पलटनी है इधर से अब देखिए यहाँ से फिर आपको बीनना है फसफंदा बिना बिना अब फिर देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई इसी तरीके से बीनते हुए आपको बनानी है सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूं ये लास्ट का फंदा है इसको आपको उल्टा बीन देना है तो देखिए इसका दूसरी साइड से बीनते हैं फिर दूसरी साइड फसफ फंदा बिना बिना इस तरीके से फिर ये दो फंदे दो का है इस तरीके से दो फंदे दो फिर सारी फंदे सीधी सीधी, फिर इधर का दो फंदे दो इस तरीके से दोनों साइड का दो फंदे दो काय करते हुए बिनना है अब देखिए इधर फिर हम दो फंदे दो काय बिनेंगे, तो देखिए इसी तरीके से सीधी साइड से आपको दो फंदे दो काय करते हुए बिनना है और बैक साइड से उल्टी बिना बिनना है अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये छह फंदे बाकी हैं दो चार छे इस तरीके से इधर का दो फंदे दो धोका और इधर का दो फंदे दो धोका करते हुए हम बिनते आ रहे हैं अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर दो फंदे दो का एक फंदे सीधी बिना फिर दो फंदे दो एक इस तरीके से आपको बिनना है अब देखिए दो चार चार फंदे बाकी हैं पलटने हैं दूसरी साइड दूसरी साइड से आपको उल्टी बिना नहीं है फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिना अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर सीधी साइड में फर्स्ट फंदा बिना बिना बीच का दो फंदे में दो का एक करेंगे तो देखिए इस तरीके से दो फंदे दो का एक लास्ट का एक फंदा सीधा अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है इसमें तीन फंदे बाकी है एक दो तीन अब देखिए तीन फंदे बाकी होने के बाद इधर का फंदे आपको उठा नहीं दिख है ऊपर का देख रहे हैं ये डिजाइन का है इसलिए इसका नीचे का फंदे इस तरीके से उठाएंगे तो देखिए फिर पलटनी है दूसरी साइड दूसरी साइड से उल्टी बिना बिनने हैं एक दो तीन चार चार फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये डिजाइन का फंदे छोड़कर इसका नीचे का चेन से आपको फिर एक फंदे उठानी है इस तरीके से उठाने से ये पलट जाता है तो देखिए इस तरीके से मतलब हम दोनों साइड का एक एक फंदे उठाएंगे और पलटनी है फिर दूसरी साइड दूसरी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना एक दो तीन चार पाँच फिर इधर का एक फंदे उठाएंगे तो देखिए इस तरीके से फंदे उठानी है देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है इसी तरीके से दोनों साइड से ये चेन वाला फंदे लेकर उठानी है जितनी हम दोनों साइड एक एक फंदे करते हुए घटा रहे हैं अट्ठाईस फंदे ये आपको पूरी करनी है दोनों साइड से एक एक फंदे उठाकर अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ हु। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है और एक फंदे आपको बैक साइड से उठानी है तो देखिए इस तरीके से बैक साइड से उल्टी बीन कर उठानी है फिर पलटनी है और दूसरी बार फिर आपको सीधी साइड से एक फंदे उठानी है तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं मैं इतनी बीन चुकी हूँ और यहाँ तक मैं आ रही हूँ फिर इधर का एक फंदे उठानी है देख रहे हैं ये वाला चेन से एक फंदे उठाएंगे ये लास्ट वाला चेन है हमारा इसका ऊपर का मैं फंदे गिनकर भी दिखाती हूँ अब देखिए इस तरीके से पलटनी है फिर यहाँ से बिन्न है एक देखिए बिना बिना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस और ये अट्ठाइस इस तरीके से आपको अब देखिए इसमें टोटल फंदे अट्ठाइस है इसमें मैं सात फंदे का चार भाग लगाने वाली हूँ आपके पास जितनी फंदे हैं इसी तरीके से चार भाग लगाइएगा अब देखिए इसका ऊपर में डिजाइन बनाने के लिए डबल पॉइंटेड निडल ले रही हूँ दोनों साइड से बीनने वाला निडल। अब देखिए इसका ऊपर सात फंदे निकालेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात इस तरीके से अगर आप दोनों साइड चौबीस चौबीस फंदे बढ़ा रहे हैं तो इसी तरीके से इधर छह फंदे लेकर बनाइएगा दोनों साइड चौबीस चौबीस फंदे बढ़ा रहे हैं तो इसमें छह फंदे रखना होता है इसी तरीके से आपको टोटल फंदे को चार भाग लगानी है मतलब ये डिजाइन का टोटल फंदे को आपको चार भाग में लगानी है देखिए ये सात फंदे को आपको लेकर आना है इस तरीके से लेकर आना है तो देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है तो देखिए इधर साइड से फिर हम बिनेंगे अब देखिए इधर का एक लेना है इस तरीके से और इधर का एक लेना है देखिए इस तरीके से और दो फंदे एक साथ बीन देना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा दो फंदे दो का एक बीनते हुए फिर देखिए इसी तरीके से इधर का एक लेना है और इधर का एक लेना है और फिर दो फंदे एक साथ बीन देना है फिर इधर का एक और इधर का एक लेना है फिर बीन देना है दो फंदे दो का एक फिर इधर का एक अरे इधर का एक दो फंदे दो का एक फिर इधर का एक अरे इधर का एक दो फंदे दो का एक मतलब इसमें आपको डिजाइन भी बनानी है और एक फंदे भी घटानी है अब देखिए दो फंदे दो का एक फिर दो फंदे दो का एक इस तरीके से बिनेंगे। तो देखिए ये डिजाइन बनकर आता है इस तरीके से बीनने से अब फिर देखिए इधर का डिजाइन बनाने के लिए फिर सात फंदे एक दो तीन चार पाँच छ सात अब देखिए ये जो फंदे हैं इसको पीछे लेकर जाना है फिर इधर फंदे गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात जितनी इधर फंदे आ रहे हैं उसी को आपको चार भाग लगानी है अब देखिए इधर फिर दो फंदे दो का एक बीन देना है एक ऊपर का लेना है एक नीचे का लेना है और फिर दो फंदे दो का एक तो देखिए एक ऊपर का एक नीचे का लेना है और दो फंदे दो का एक बिनने में थोड़ी कठिनाई होता है ध्यान से बिनिएगा एक दो फंदे गिर ना जाए अब देखिए इधर का एक लेना है और नीचे का एक लेना है और फिर बिन देना है दो फंदे दो का एक फिर इसी तरीके से इधर का एक नीचे का एक और फिर दो फंदे दो का एक इसमें हम एक फंदे घटा रहे हैं नीचे का एक और ऊपर का एक फंदे दो फंदे दो का एक बीनते हुए अब देखिए इधर का एक और नीचे का एक फिर दो फंदे दो का एक इसी तरीके से आपको डिजाइन बनानी है अब देखिए इधर फिर बीच में दो फंदे सीधी का आता है इसमें आपको सीधी बीन कर बनानी है देखिए इस तरीके से दो फंदे सीधी यहाँ से फिर आपको कटाई करते हुए बिनना है जिस तरीके से दूसरे में हम कान का शेप बनाए थे इसमें भी आपको इसी तरीके से बीनने हैं दो फंदे दो का का एक बाकी फंदे सीधी सीधी अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद फिर ये लास्ट का आगे का फंदे में दो फंदे दो का एक बिनते हुए बनाएंगे अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए कटाई में आ रही हूँ कटाई में फिर दो फंदे दो का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है अब देखिए इसका बैक साइड से बीनेंगे बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिना अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं का लास्ट में आ रही इधर साइड अब देखिए ये बीच का जो दो फंदे हैं ये आपको बिना बिना छोड़ना है देखिए ये बीच डिजाइन का दो फंदे छोड़कर मैं इधर से पलटकर बिन रही हूँ तो देखिए यहाँ से फिर इसी तरीके से डिजाइन बनाकर बीनना है मैं इसी तरीके से बीनती हूँ दो फंदे दो का एक इस तरीके से बाकी का सारी सीधी सीधी फिर इसी तरीके से ये लास्ट का आगे का फंदे में आपको घटाई करनी है दो फंदे दो का एक बीनते हुए लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा यहाँ से यहाँ तक का इसी बात को रिपीट करते हुए दो फंदे दो का एक बीनते हुए बनानी है अब देखिए जिस तरीके से ये वाला बनाया है उसी तरीके से इसमें बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी ये बनने के बाद कैसे नजर आता है देखिए इधर फिर दो फंदे दो का एक तरीके से दो फंदे दो काय बिनने के बाद ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है ये धागा कट लगानी है और इधर का चेन गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताइस और ये अट्ठाइस अट्ठाइस चेन है इसमें चेन में हम एक एक बार फंदे उठाएंगे दोनों साइड से और देखिए इसी चेन की वजह से ये छोटा और बड़ा साइज का बनकर आता है इसका ऊपर मैं सर्कुलर निर्णय का यूज कर रही हूँ अब देखिए यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और इधर से भी फंदे उठाएंगे सर्कुलर निर्णय से आपको फंदे उठानी है देखिए इसका ऊपर धागा डालनी है इस तरीके से धागा डालने के बाद प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाएंगे तो देखिए इस तरीके से धागा लग करते हुए फंदे उठानी है फिर इसमें भी इसी तरीके से धागा लग करनी है और फंदे उठा देना है प्रत्येक चेन में हम एक एक बार फंदे उठाकर बनाने वाले हैं ये साइज का हिसाब से फंदे कम ज्यादा आपसे आप होता है जो आप गर्दन का नीचे से चोटी तक का लंबाई बना रहे हैं उसी का वजह से इसमें फंदे कम ज्यादा होता है और ये किसी भी साइज का से बनकर आता है अब ये अट्ठाईस चेन में एक एक बार फंदे उठाने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है कान का नीचे से चोटी तक का लंबाई उठाने के बाद अब देखिए ये कान का नीचे से चोटी तक का लंबाई हम उठा रहे हैं अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है ये डिजाइन का फंदे बनाने के लिए निरल निकालनी है और निरल को इधर साइड से डाल देना है तो देखिए मैं इधर साइड से डालती हूँ ये निरल अब देखिए ये सारी फंदे निरल में डालने के बाद यहाँ से आपको बिनना है फिर देखिए इस तरीके से ये फंदे पलट रहा है इसलिए आपको ऊपर से ना बुनकर नीचे से बीन देना है तो जब बिनाई में फंदे पलटता है तो इसको बैक साइड से इस तरीके से बीनने से ठीक हो जाता है अब देखिए इसी तरीके से बीनेंगे आप चाहे तो इसको सीधी बनाकर भी बीन सकते हैं इस तरीके से पलटनी है और सीधी हो जाता है और फिर बीनना है इस तरीके से भी आप बीन सकते हैं ये डिजाइन एक ही डिजाइन बनकर आता है अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ ये लास्ट का फंदे है इसमें आपको इसी तरीके से बिन्न है अब यहाँ से देखिए ये चेन वाला फंदे आ रहा है ये चेन वाला लेना है और सीधी बीन कर फंदे उठा देना है थोड़ी टाइट कर लेना है इधर होल ना है इसलिए अब देखिए यहाँ से हम इसी तरीके से चेन वाला फंदे इस तरीके से लेना है और उठा देना है इसी तरीके से इसका ऊपर फंदे उठाएंगे और ये बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है अब भी जरूर ट्राई करिएगा ये आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है ये मैं कई बार बना चुकी हूँ बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसी तरीके से एक टोपी में शेयर कर चुकी हूँ उसमें काफी सारा दोस्त का फरमाइश था कि ये किसी भी साइज में किस तरीके से बनाएंगे पूरी डिटेल बताए इस तरीके से आ, कमेंट आ रहा था काफी ज्यादा इसलिए मैं ये टोपी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ अब देखिये इसमें आपको जो हम फंदे बढ़ाने के लिए रख रहे थे बीच में दो फंदे एक्स्ट्रा वाला वो छोड़कर बाकी का फंदे उठानी है अब देखिए ये जो बीच का फंदे है सीधी साइड से सीधी वो फंदे आपको छोड़ना है बाकी का फंदे इसी तरीके से उठानी है अब देखिए ये साइज का हिसाब से इधर का फंदे कम ज्यादा होता है इधर अट्ठाइस इधर अट्ठाइस इधर चौदह इधर 14, इधर 14, और बीच में दो फंदे करके इसमें हमारा टोटल फंदे इसमें 86 फंदे हैं ये गर्दन का नीचे से चोटी तक का लंबाई गड़बड़ बनाने से ये टोपी का साइज भी आपसे आप छोटा बड़ा साइज का बनकर आता है अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे उठाने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालने का तरीके बता रही हूँ अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है।, है अब देखिए ये बीनने वाला धागा इधर साइड है ये इसका बैक साइड है बैक साइड से ये डिजाइन शुरू होता है बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिन है ये सिर्फ दो रो का डिजाइन है बैक साइड से हम सारी फंदे सीधी सीधी बीनेंगे और सीधी साइड में डिजाइन डालकर बनानी है अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हुई आ रही हूँ बैक साइड से अब देखिए लास्ट का फंदे है इसको आपको उल्टा बिन देना है अब देखिए ये सिर्फ दोनों का डिजाइन है बैक साइड से सीधी बिनने के बाद इसका सीधी साइड से ये धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है अब देखिए सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बीनना है अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना गांठ वाला लेना है इस तरीके से गांठ वाला लेंगे और सीधी बिना बिन दिन दिन देना है और फंदे का ये धागे से अंदर कर लेना है और नीचे से बाहर निकालना है तो देखिए थोड़ी लोज करने के बाद ये फंदे खुल जाता है तो देखिए इस तरीके से फिर एक फंदा सीधा अब देखिए ये गांठ वाला लेना है और सीधे बिना बीन देना है फंदे से अंदर कर लेना है और फंदे का नीचे से बाहर निकालना अब देखिए एक फंदे सीधी बिन देना है और फिर एक गांठ वाला लेना है इस तरीके से सीधी बिना बिन देना है और ये फंदे का अंदर कर लेना है और फंदे का नीचे से बाहर निकालना है मतलब इधर हम फंदे खोल रहे हैं यह हनीकम कम बिनाई डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है अब देखिए ये सिर्फ दो रो का डिजाइन है बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बीनना है बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही जल्दी जल्दी बनकर भी रेडी होता है अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बीनती हूँ अब भी इसी तरीके से बनाइएगा बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बनकर आता है अब देखिए मैं इसी तरीके से पूरी राउंड बीनती हूँ अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ गांठ वाला लेना है इस तरीके से डिजाइन बनानी है एक फंदे सीधी फिर गांठ वाला लेना है डिजाइन बना देना है एक फंदे सीधी फिर गांठ वाला लेना है डिजाइन बना देना है और एक फंदे सीधी बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही आसानी से बनकर आता है आप भी जरूर ट्राई करिएगा अब देखिए लास्ट का एक फंदे सीधा इस तरीके से बनानी है अब देखिए इसका दूसरी साइड से बीनते हैं मतलब ये इसका बैक साइड है सीधी साइड से डिजाइन डालने के बाद बैक साइड से इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है अब देखिए इधर दो धागा है इसमें आपको एक साथ बीन देना है अब देखिए एक, एक एक और ये एक साथ है इसको आपको एक साथ ही बीन देना है इसी तरीके से आपको बीनना है सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए ये एक ही फंदे आपको काउंट कर लेना है देखिए इसी तरीके से बिंदु हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ अब देखिए जो एक साथ है इसको आपको एक साथ ही बीन है जो एक है इसको एक ही बीनना है अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनते हुए बनानी है अब देखिए ये लास्ट का एक फंदा उल्टा इस तरीके से बनाइएगा देखिए बीच का दो फंदे आपको छोड़ना है ये सीधी साइड से दो फंदे है ये आपको छोड़ना है और इधर से पलट आपको बीन है अब देखिए इधर साइड से फिर मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट बिना बिना अब देखिए जिसमें ये दो गांठ है देख रहे हैं एक और ये दो दो गांठ वाला पुराना डिजाइन का है इसलिए आपको इसको सीधी बिंदना है मतलब पुराना डिजाइन वाला आपको सीधी बिंद है और जिसका एक गांठ होता है ना उसी में आपको डिजाइन डालने हैं तो देखिए इस तरीके से जिसका दो गांठ होता है उसको आपको सीधी बिंद है जिसका एक गांठ है इसी में आपको डिजाइन डाल लेना है तो देखिए इसी तरीके से आपको बिंदना है मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ आप भी इसी तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए ये टोपी बनने के बाद कैसे नजर आता है फिर मैं थोड़ी बीनने के बाद दिखाती हूँ अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं आ रही हूँ सारी फंदे आपको सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है ये मैं बैक साइड से अभी मैं बीन रही हूँ सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए अब देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा इस तरीके से बीनने है बैक साइड से अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर एक बार बीन कर दिखाती हूँ ये सिर्फ दो रो का डिजाइन है और बहुत ही सुंदर ये कम डिजाइन बनकर आता है ये कम बिना डिजाइन है आप कई तरीके से इसको बना सकते हैं पर ये तरीका बहुत ही सुंदर तरीके से बनकर आता है अब देखिए इसमें डबल डिजाइन बनकर आता है एक ऊपर की ओर और, और एक नीचे की ओर बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है बिना होल का अब देखिए ये डिजाइन का है देख रहे हैं एक गांठ है इसमें इसमें आपको डिजाइन डालनी है और जिसमें दो गांठ होता है ना उसी में आपको सीधी बीन देना है इसमें दो गांठ है इसलिए ये सीधी बीनेंगे अब देखिए इसमें एक गांठ है इसमें डिजाइन बनाएंगे इसी तरीके से इसका ऊपर बीनते जाना है जिसमें दो गांठ होता है उसको सीधी और जिसमें एक गांठ होता है उसमें डिजाइन तो देखिए इसमें बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनकर आता है अब देखिए इसका डिजाइन दो है एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर इस तरीके से ये डबल डिजाइन का बनकर आता है देख रहे हैं ये एक ऊपर का ओर इस तरीके से आता है और एक नीचे की ओर तो देखिए ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बिना किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं जितनी खींचेंगे उतनी सुंदर ये डिजाइन बनकर आता है देखिए इस तरीके से अब भी जरूर ट्राई करिए ये खूबसूरत और आसान डिजाइन और देखिए इसका बैक साइड से ये इस तरीके से नजर आता है बहुत ही सुंदर ये सिर्फ दो का डिजाइन आपको बार बार इसी बात को रिपीट करते हुए बीनना है अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं आ रही हूँ डिजाइन में आपको डिजाइन डालनी है तो देखिए इस तरीके से सीधी में सीधी बीन देना है फिर डिजाइन में आपको डिजाइन डाल देना है और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनानी है अब देखिए ये इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है अब ये मैं कितनी बना रही हूँ नाप कर भी आपको दिखाती हूँ अब देखिये ये जो डिजाइन है ये भी आप कम से बीन सकते हैं साइज का हिसाब से छोटी से माथे का थोड़ी ऊपर तक बीनने हैं क्या है कि माथे में फिर बॉर्डर आता है इस तरीके से कम ज्यादा आप बीन सकते हैं तो देखिए ये जो है बड़ा साइज का है इसलिए साढ़े चार इंच का मैं बना रही हूँ अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो कम बीन कर भी आप बना सकते हैं एक बार बच्चे का नाप लेकर जरूर बनाइएगा अब देखिए इसका ऊपर बीस फंदे डालूंगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस बीस फंदे डालनी है साइज का हिसाब से इधर फंदे कम भी गिरा सकते हैं अब देखिए इसका ऊपर आप दो चार फंदे कम भी गरा सकते हैं अगर आप छोटा साइज का बना रहे हैं तो अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीन देना है फिर यहाँ से डिजाइन का फंदे भी आपको उल्टी बिना बीनने हैं जो एक साथ है आपको एक साथ ही उल्टी बिना बीन देना है जो एक है उसके भी आपको उल्टी बिना बीन देना है इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए बनाएंगे अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ जो एक साथ है आपको एक साथ ही बीन देना है जो एक है उसको आपको एक बीन देना है इसी तरीके से आपको बीनते जाना है अब देखिए ये इसका बैक साइड है बैक साइड से उल्टी बिनाई बीनने के बाद इतनी बीनने के बाद ये इसमें कनेक्ट करके भी आप बीन सकते हैं ये मैं बिना कनेक्ट का बना रही हूँ क्या है कि बाद में इसको बाद में सिलाई करके मैं जोड़ाई करूंगी तो देखिए इसका ऊपर में ये सीधी साइड से फिर बीन रही हूँ साइड से आपको फसफ फंदा बिना बिना उतार देना है और सारी फंदे सीधी सीधी बीन देना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हैं है। तो देखिए इसी तरीके से हम सारी फंदे सीधी सीधी बीनते है बनाएंगे अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनने के बाद इधर जो हम फंदे डाल रहे थे इसमें भी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बीन देना है सीधी साइड से अब देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ लास्ट का दो फंदे बाकी हैं इसमें भी आपको सीधी सीधी बना देना है तो देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से बीनेंगे फिर बैक साइड से देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारे फंदे उल्टे बिना बीन देना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारे फंदे उल्टे बिना बीनते हुए बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है सीधी साइड से सीधी बीन देना है और उल्टी साइड से उल्टी बिनने हैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनने हैं मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है ये टोपी के लिए बॉर्डर है ये आप कम ज़्यादा बीन सकते हैं अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर मैं डिजाइन बना रही हूँ फसफंदा बिना बिना अब देखिए फिर इधर धागा आपने और इस तरीके से लेना है और फिर दो फंदे दो का एक बीन देना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा दो फंदे दो का एक फंदा डालना है धागा अपनी ओर लेकर और फिर दो फंदे दो का एक बीन देना है तो देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है धागा आपने और दो फंदे दो का एक और फिर देखिए धागा अपनी और दो फंदे दो का एक लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनानी है ये डिजाइन इधर साइड हम कनेक्ट करेंगे आप चाहे तो इस तरीके से बिनाई में कनेक्ट करके ये राउंड बीन कर भी बना सकते हैं तो देखिए इस तरीके से राउंड बिन कर भी ये डिजाइन बना सकते हैं पर मैं इसमें ये बात में सिलाई करके जुड़ाई करने वाली हूँ इसलिए इसका बैक साइड से अभी मैं दिखा रही हूँ बैक साइड से सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीन देना है इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए अब देखिए सीधी साइड से आपको जितनी नीचे बनाए हैं उतनी आपको इसका ऊपर भी बनानी है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ जितनी नीचे बना रही हूँ उतनी इसका ऊपर भी बनानी है अब देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है तो देखिए ये इस तरीके से डिजाइन ये डिजाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है तो देखिए ये बॉर्डर है इसका इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है अब देखिए फंदे बंद करने के लिए फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बिनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बिनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है इस तरीके से का का इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है अब देखिए मैं इसका फंदे बंद करती हूँ अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदे गिरा देना है और थोड़ी धागा खींचना है तो देखिए इसका ऊपर का धागा कट लगानी है कट लगाने के बाद गांठ लगा देना है तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है हमारा माथे का साइड का है अब देखिए यहाँ से फिर फंदे उठाकर हम गर्दन का साइड का डिजाइन बॉर्डर बनाएंगे अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से फंदे उठानी है ये मैं दिखाने जा रही हूँ देखिए इस तरीके से ये धागा है एक एक धागा आपको उठानी है प्रत्येक फंदे का तो देखिए इस तरीके से आता है अब देखें यहाँ से हम धागा लगाएंगे और धागा लगाने के बाद फंदे आपको उठाते जाना है इस तरीके से धागा लगानी है और फंदे उठाते जाना है प्रत्येक चेन में हम एक एक बार फंदे उठाएंगे इस तरीके से आपको फंदे उठाकर बनानी है ये साइज का है? हिसाब से फंदे भी कम ज़्यादा आपसे आप आता है तो देखिए इसमें भी बीस फंदे में डाल रही थी तो बीस फंदे में उठा रही हूँ अगर आप छोटा साइज़ का बना रहे हैं तो आप दो चार फंदे कम भी कर सकते हैं देखिए इधर से फिर ये चेन वाला लेकर उठानी है देखिए दोनों चेन में ले रही हूँ इस तरीके से चेन लेना है और फंदे उठा देना है प्रत्येक चेन इसमें उठाएंगे इधर आने के बाद जो हम छोड़ रहे थे दो फंदे वो फंदे भी आपको इधर से उठा देना है तो देखिए इधर दो फंदे उठाएंगे और शुरू में हम चार फंदे लेकर बनाए थे इसी तरीके से ये गर्दन का हिस्से में हम चार फंदे उठाएंगे दो फंदे सीधी का और दो फंदे जो हम डाल रहे थे दोनों साइड एक एक फंदे शुरू में वो वाला फंदे इधर से उठाएंगे चार फंदे और इधर से फिर देख रहे हैं ये चेन वाला फंदे उठाकर आपको बनानी है ये जितनी साइज़ का आप बनाना चाहे उतनी साइज का ये बनकर आता है सिर्फ आपको शुरू में जो हम गर्दन से चोटी तक का लंबाई बनाए थे उसमें आपको कम कौ? कौ? बेसी फंदा बनाना होता है अब देखिए इतनी आपको उठानी है यहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है बॉर्डर ये बाद में हम सिलाई करके इसका डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से फोल्ड करके तो देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे अब इधर का फंदे में गिन कर दिखाती हूँ अब देखिए इसमें कितनी फंदे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उन्तीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौतीस पैस तीस सड़तीस फंदे हैं इधर सड़तीस मतलब इसमें सेवेंटी फोर फंदे हैं तो देखिए सेवेंटी फोर फंदे का ऊपर फिर आपको बेनना है अब देखिए बैक साइड से फंदा बिना बिना ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बेनना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बेनते हुए ये इसका बैक साइड है तो देखिए बैक साइड से हम सारी फंदे इसी तरीके से बनाएंगे अब देखिए इसका सीधी साइड से आपको डिजाइन डालते हुए बिनना है अब देखिए डिजाइन फंदा बिना बिना दो फंदा आपको सीधी बीन देना है धागा आपने और दो फंदा उल्टा देख रहे हैं एक और ये दो दो फंदा उल्टा ताकि पीछे फिर दो फंदा सीधा एक दो इसी तरीके से आपको बिनना है पूरी सलाई बैक साइड से भी इसी तरीके से बनाएंगे उल्टी बिनाई बिनते हुए और सीधी साइड से आपको दो फंदा उल्टा दो फंदा सीधा बिनते हुए बनानी है देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ ताकि पीछे दो फंदा सीधा एक और ये दो दागा आपनी और दो फंदा उल्टा एक और ये दो धागे पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बिनना है इसका ये बैक साइड है बैक साइड से फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई भी बिनेंगे तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई भी बिनते हुए अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ सारी फंदे उल्टे बिनाई बिनते हुए तो देखिए लास्ट का एक फंदा भी उल्टा ये इसका बैक साइड है फिर सीधी साइड से देखिए इसका ऊपर आपको डिजाइन में फंदे बढ़ाकर बीनना है अब देखिए किस तरीके से बिनेंगे, फर्स्ट फंदा बिना बिना दो फंदे सीधी का है इसमें सीधी बीनना है अब देखिए इधर एक फंदे बढ़ाया नहीं लगा आपने और अब देखिए दो फंदा उल्टा है इसमें तीन फंदा उल्टा बना रहे हैं एक फंदे बढ़ाकर अब देखिए फिर दो फंदा सीधा फिर एक फंदे बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से तागा आपने और फिर दो फंदा उल्टा भी नहीं है एक और ये दो अब देखिए मैं इतनी फंदे बढ़ा चुकी हूँ ये फंदे आप कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं अब देखिए ये सीधी का दाया और एक बार फंदे बढ़ा देना है तो देखिए इस साइड में इसी साइड में एक बार बढ़ा देना है तो देखिए दूसरी बार फिर इधर साइड आपको फंदे बढ़ानी है जिस तरीके से इधर साइड बढ़ाए हैं उसी तरीके से इधर साइड बढ़ानी है तरीके से इसका ऊपर आपको फंदे बढ़ाते हुए बीनना है ये फंदे आप कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं ये मैं इतनी बढ़ा चुकी हूँ एक बार मैं इसमें फंदे बढ़ाकर दिखा रही हूँ बैक साइड से मैं उल्टी बिनाई बीन रही हूँ अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से फंदे बढ़ाएंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना अब देखिए दो फंदे सीधे हैं तो देखिए इसमें हम फंदे बढ़ा रहे हैं अगले राउंड में इधर साइड अब इधर साइड बढ़ाएंगे इसी तरीके से ताकि आपने जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे बिनने के बाद इधर साइड जिस तरीके से फंदे रहे थे उसी तरीके से इधर साइड डालनी है एक बार साइड डालनी है और एक बार इधर साइड डालनी है बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं अब देखिए दो फंदे सीधी सीधे इस तरीके से बिनने के बाद इधर साइड फिर आपको बिन लेना है उल्टी बिनाई बिनते हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात फिर धागे पीछे एक फंदे बढ़ाएंगे इसी तरीके से आपको बीनते जाना है ये जो है कम ज्यादा आप फंदे बढ़ाकर बीन सकते हैं आप चाहे तो इसका ऊपर दो चार रो बिना फंदे बढ़ाए हुए भी बीन सकते हैं ये गला कवर होने तक आपको इस तरीके से बीनना है अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीनने के बाद इधर साइड एक फंदे डाल रही हूँ और फिर लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बना रही हूँ इसी तरीके से आपको बीनना है और ये इस तरीके से बनकर आता है मैं इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद कर रही हूँ आप तो इसका ऊपर बिना फंदे बढ़ाए हुए भी दो चार रो और बीन सकते हैं अब देखिए फंस पंदा बिना बिना एक फंदे उल्टा भी नहीं पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे में बंद करती हूँ अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ एक फंदे बीनने पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बीनने हैं पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बिनने हैं पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना ये लास्ट का फंदे इसको आपको बिनना है और पीछे का फंदे इसके ऊपर से गिरा देना है और ये फंदे थोड़ी खींचना है इधर साइड गांठ लगा देना है तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है तो देखिए इतनी बनने के बाद अब इसका ऊपर आपको ये बाकी का वस्टेड धागा लक लगानी है और इसको आपको बैक साइड से सिलाई करनी है इस तरीके से पलट कर बैक साइड से ये वाला हिस्सा सिलाई करनी है अब देखिए ये वाला हिस्सा मैं यहाँ तक सिलाई करती हूँ और इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करनी है अब देखिए इस तरीके से पलटनी है दूसरी साइड पलटने के बाद ये वाला हिस्सा इस तरीके से मिलाते हुए आपको सिलाई करनी है तो देखिए इसका ऊपर सिलाई करने के लिए मैं सुई में धागा लगा चुकी हूँ अब देखिए इधर का एक लेना है और इधर का एक लेना है और सिल देना है तो देखिए इसी तरीके से दोनों साइड का एक एक चेन लेते हुए आपको इसका ऊपर सिलाई करनी है देखिए इसका ऊपर मैं सिलाई कर चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है इसका ऊपर डोरी बनाने के तरीके में दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको गोल में इसको नाप लेना है इस तरीके से और इसको गोल में नापने के बाद थोड़ी ज़्यादा आपको रखना है क्या है कि डोरी बनाने के बाद ये घट जाता है इसलिए इतनी मैं रख रही हूँ अब देखिए इसका आपको डबल बनानी है तो देखिए इस तरीके से डबल गराइएगा इसको और डबल गराने के बाद ये धागा आपको कट कर लेना है यहाँ से मैं कट कर रही हूँ आप चाहे तो एक दो बार लपेट कर भी ये बना सकते हैं मोटा साइज़ का अब देखिए ये डबल में बना रही हूँ और ये मैं खोल रही हूँ और खोलने के बाद इस तरीके से जो हम बाती काटते हैं दिए के लिए उस तरीके से इसको घुमा देना है इस तरीके से काफ़ी बार घुमा देना है और काफ़ी बार घुमाने के बाद इसमें जो है डोरी बनकर आता है इस तरीके से और इसको दूसरी का डोरी इधर लेकर आना है दो डोरी एकर, एक एक ही जगह बना देना है अब देखिए फिर दूसरी साइड से फिर लपेटने हैं इसी तरीके से जिस तरीके से हम दिए में बाती बनाते हैं उसी तरीके से अब देखिए ये डोरी बन चुका है इधर साइड आपको गांठ लगा देना है एक गांठ और दूसरी साइड भी इसी तरीके से गांठ लगा देना है तो देखिए इधर साइड भी मैं गांठ लगा रही हूं इस तरीके से ये डोरी बनकर रेडी हो चुका है आपको कुर से डोरी बनाने का और फिर बिनाई से डोरी बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है इसी तरीके से आप आसानी से डोरी बना सकते हैं हम दो सीढ़ी का डिजाइन रख रहे थे उसी का नीचे में आपको गले में ये डोरी लगा देना है तो देखिए एक डोरी इस तरीके से लगाएंगे अब देखिए इस तरीके से डोरी लगाने के बाद दूसरा डोरी थोड़ी दूर पर लगाएंगे इस तरीके से अब देखिए ये मैं डोरी डाल चुकी हूँ डोरी डालने के बाद ये डोरी इधर बॉर्डर में लगाएंगे इस तरीके से ये ना गिरे इसलिए इधर साइड एक गांठ लगाइएगा इस तरीके से अब देखिए इसको आपका बीचों बीच बनाते हुए सिल देना है अब देखिए ये नीचे में आता है इस तरीके से और इधर बॉर्डर है इस तरीके से ये डोरी बीच सेंटर में आता है और इस साइड में आपको सिलते हुए जुड़ाई करनी है ये वाला हिस्से में हम सिलाई करेंगे तो देखिए ये ऊपर का गांठ वाला नज़र आ रहा है इसी में आपको सिलाई कर देना है तो देखिए इसी तरीके से ऊपर का ये गांठ वाला लेकर सिलाई करनी है और जो हम फंदे बंद कर रहे थे वो वाला चेन लेकर आपको इस तरीके से सिलते हुए जोड़ाई करनी है अब देखिए मैं इसी तरीके से पूरी राय सिलाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसे नजर आता है अब देखिए ये डोरी गले में आता है और दोनों बॉर्डर का बीचों बीच बनाते हुए आपको सीलना है अब देखिए ये मैं सील चुकी हूँ बनने के बाद ये टोपी बहुत ही सुंदर नजर आता है मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ ये खूबसूरत और आसान टोपी का डिजाइन ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज़ में आसानी से बना सके इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही थी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों शेयर करना मत भूलिए अभी तक नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलती हूँ दूसरी नए वीडियो में तब तक के लिए दीपा नेटिंग चैनल धन्यवाद